वाराणसी वस्त्र उद्योग पूर्वांचल की आर्थिक रीढ़ है। यहाँ बुनकरों के बड़े क्लस्टर हैं। आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने वाले युवा इस क्षेत्र में स्टार्टअप कर सकते हैं। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अभी सोमवार को प्रस्तुत बजट में ODOP के तहत 250 करोड़ रुपयों का तो समर्थ योजना के तहत 1300 करोड़ का आवंटन किया है। यही नहीं, सरकार के वस्त्र उद्योग क्षेत्र में सरकार ने 2022 तक 25,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न प्रहर कार्यक्रम में सहायक आयुक्त डॉक्टर नितेश धवन से लोगों ने इस संबंध में सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि इसके लिए बैंक से सस्ती दरों पर ऋण लेकर कम लागत से भी काम शुरू किया जा सकता है। वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए कम दाम में मशीन मिलेगी। पावर लूम्स लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए में सेमी ऑटो मशीन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक मशीन के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हैंडलूम 25,000 रुपए में ही आ जाएगा। इस तरह से 2 से 2.5 लाख तक की पूंजी में अपने उद्योग का स्टार्टअप कर सकते हैं। हथकरघा और पावर लूम में संचालन का प्रशिक्षण लेकर नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार की समर्थ योजना के बुनाई में 45 दिन व डाइंग तथा रंगाई में 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए 6% की दर से प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत लोन भी ले सकते हैं। इस योजना में 10,000 रुपए की मार्जिन मनी भी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए प्रभारी सहायक आयुक्त हथकरघा और गोरखपुर परिक्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं।